मंगलुरु पुलिस ने भारत के एक विदेशी नागरिक, चिकित्सा अधिकारी, MBBS और डेंटल छात्रों सहित 10 लोगों को गांजा बेचने और सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 50,000 रुपये मूल्य का 2 किलोग्राम से अधिक गांजा, 2 मोबाइल फोन, 1 खिलौना पिस्टन, 1 खंजर, 7,000 रुपये नकद, 1 डिजिटल वजन का पैमाना और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किए हैं। बेंगलुरु रामनगर जिले के बेंगलुरु के पास चलती स्कूल बस के दरवाजे से गिरकर उसके पहिए के नीचे आने से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये घटना 9 जनवरी सोमवार को कनकपुरा के पास पिचनहल्ली केरे सिद्धनहल्ली रोड पर हुई। हादसे में मरने वाली लड़की की पहचान सिद्धनहल्ली निवासी रिक्शना एस के रूप में हुई। वो रामनहली गेट स्थित श्री साई इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा थी। रिक्शना के पिता की तहरीर पर कनकपुरा ग्रामीण पुलिस ने बस चालक और परिचारक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि चालक और अटेंडर बस को छोड़कर मौके से फरार हो गए। चालक और अटेंडर की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित की गयी। मंगलुरु NIA ने आज कहा कि उन्होंने 19 नवंबर 2022 को मंगलुरु में कुकर विस्फोट मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान दक्षिण कन्नड़ के माजिन अब्दुल रहमान और नदीम अहमद के रूप में हुई है। दावणगेरे यह NIA द्वारा 5 जनवरी को उडुपी से रेशान थजाउद्दीन शेख और शिवमोगा से हुजियार फरहान बेग की गिरफ्तारी के साथ साथ मामले से जुड़े 2 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। कर्नाटक सेंट्रो रवि के साथ साजिश रचने के आरोप में कर्नाटक के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। ये घटना तब सामने आई जब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि इंस्पेक्टर प्रवीण ने उसके, उसकी छोटी बहन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया। सेंट्रो रवि मामला मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि रैकेटियर सेंट्रो रवि के मामले में एक व्यापक जांच का आदेश दिया गया है और उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेंट्रो रवि का 20 साल का इतिहास है। बोम्मई ने कहा कि जांच से उनके कथित संबंधों के बारे में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि वहां कौन सी सरकारें थी और कौन मंत्री थे। कर्नाटक कांग्रेस ने कांग्रेस प्रमुख डी के शिव कुमार के सत्ता में आने पर हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा के साथ अपना पहला चुनावी वादा किया। आज बेलागवी जिले के चिक्कोडी में प्रजाध्वनी यात्रा बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर 2023 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो गृह ज्योति योजना के तहत कर्नाटक के हर घर को हर महीने 200 मुफ्त बिजली यूनिट मिलेगी। जोर देकर कहा कि कर्नाटक में एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो मूलभूत आवश्यकताओं की बढ़ती लागत और बढ़ती बेरोजगारी के आलोक में लोगों की भलाई की परवाह करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। घोषणा करते हुए केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये कार्यक्रम 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और उनके मंत्रालय द्वारा कर्नाटक सरकार के साथ आयोजित किया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि यह महोत्सव Y20 श्रृंखला का हिस्सा था जो भारत की G20 अध्यक्षता की घटनाओं के हिस्से के रूप में युवाओं की व्यस्तता पर ध्यान केंद्रित करने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला है। हुबली PU शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आज हुबली में सभी PU कॉलेजों के प्राचार्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन में प्रत्येक कॉलेज के कम से कम 100 छात्र शामिल हो। फिर इस आदेश को सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। इस बीच कांग्रेस नेता रजत उल्लागदीमठ ने आरोप लगाया कि मोदी के कार्यक्रम में कम उपस्थिति के डर से भाजपा नेता सत्ता का दुरुपयोग कर युवाओं को जबरन बुला रहे हैं। युवाओं को केवल स्वेच्छा से आने की अनुमति दी जानी चाहिए।